चीन और टर्की से मजबूत मांग और अमेरिका में बेमौसम बारिश से कॉटन के भाव में जोरदार तेजी देखने को मिली है। सीबोट पर भाव 2011 के हाई पर पहुंच गया है। वहीं एमसीएक्स पर भी कॉटन पहली बार 28,500 के पार निकला है। इतनी तेजी के बाद कॉटन में अब क्या करना चाहिए, क्या तेजी जारी रहेगी या आगे दबाव देखने को मिलेगा, चलिए नजर डालते हैं। आपको बता दें कि एमसीएक्स वायदा में फिलहाल कॉटन के भाव 28,500 के पार निकल चुके हैं। सीबोट पर भी कॉटन अपने 2011 के हाई पर है। दरअसल कॉटन में तेजी की भी कई वजहें हैं। अमेरिका में बेमौसम बारिश से फसलों पर असर पड़ा है। यूएस का कॉटन एक्सपोर्ट 15 साल की ऊंचाई पर नजर आ रहा है। वहीं घरेलू बाजार में भी नई आवक में देरी के आसार हैं। महाराष्ट्र गुजरात में बारिश से नई आवक में देरी हुई है और उत्तर भारत में पिंक ब्लोवर्म बीमारी से फसलों को नुकसान हुआ है। चीन टर्की से कॉटन यार्न की डिमांड में कमी देखने को मिल रही थी, जो वो अब बढ़ी है। फिलहाल चीन और टर्की से कॉटन यार्न की डिमांड बढ़ती दिखाई दी है। एमसीएक्स की बात करें तो एमसीएक्स पर कॉटन की रिटर्न की बात करें तो एक हफ्ते में कॉटन ने अपने निवेशकों को 5% तक का रिटर्न दिया है। वहीं एक महीने में 12%, तो 3 महीने में 16% और 1 साल में 58% का रिटर्न दिया है। ऐसे में जानकारों का कहना है कि फिलहाल कॉटन की कीमतों में तेजी बनी रह सकती है और आगे आने वाले दिनों में कॉटन की कीमतें नए आसमान छूती दिखाई दे सकती हैं। ऐसे में कॉटन में खरीदारी करके चलने में फायदा देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।